कई ऐतिहासिक फिल्में बनी हैं। कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का नया इतिहास रचा तो कुछ फिल्मों ने शोहरत के मुकाम पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हाल ही में फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने तख्त फिल्म का ऐलान किया है जिसमें कई दिग्गज कलाकारों को कास्ट किया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ पीरियड ड्रामा फिल्मों के बारे में जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अमीट छाप छोड़ दी है। देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल पर आधारित फिल्म है और अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी। संजय लीला भंसाली के इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान अहम भूमिका में थे। साल 2005 में आई परिणीता से बॉलीवुड में विद्या बालन ने डेब्यू किया था। परिणीता फिल्म शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म को पुराने कोलकाता में फिल्माया गया है। इस फिल्म में विद्या बालन के अलावा सैफ अली खान और संजय दत्त अहम भूमिका में थे। 2008 में रिलीज हुई जोधा अकबर भी अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी। यह भी पीरियड ड्रामा फिल्म थी जिसमें अकबर और जोधा की प्रेम कहानी को दर्शाया गया था। इस फिल्म में लीड रोल में ऋतिक रोशन थे तो वहीं जोधा का किरदार ऐश्वर्या राय बच्चन ने निभाया था। साल 2015 में संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित बाजीराव मस्तानी फिल्म भी ऐतिहासिक थी। इस फिल्म में पेशवा बाजीराव और मस्तानी की लव स्टोरी दिखाई गई है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार में थे। हाल ही में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की पद्मावत फिल्म भी ऐतिहासिक फिल्म थी जो शुरू में काफी विवादों से घिरी हुई थी, हालांकि बाद में फिल्म को रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म में रानी पद्मावती के जौहर की कहानी को दिखाया गया है, साथ ही दिखाया गया है अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता की लालसा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। आपको बता दें आने वाले समय में कई और पीरियड ड्रामा फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों में करण जौहर की कलंक और तख्त फिल्म भी शामिल है। इसके अलावा कंगना रनौत की मणिकर्णिका भी जल्द ही रिलीज होने वाली है।